सुबह के जो है 7 बज रहे हैं। आज भाई मेरा पहला पेपर है। फिलहाल तो मैं 6 बजे उठ गया था, 6 बजे कल रात को भी, वैसे देर रात तक मैं पढ़ाई कर रहा था। एनीवेज आज अकाउंटेंसी का पेपर है, और अकाउंटेंसी का पेपर आज देखते भाई कैसा जाएगा, कोई आइडिया तो है नहीं। बोल तो अभी फिलहाल उजाला भी आ चुका है, सुबह जब मैं उठा तब तो बिल्कुल भी उजाला नहीं था, अभी थोड़ा सा उजाला आ गया, यहाँ से दिख रहा होगा। 8 हो चुकी है, 8:30 का अभी पेपर ही है भाई, मेरे को अभी तक ड्रेस नहीं मिल रहा है, अभी तो नाना धोना भी बाकी है। ये रही भाई सब यूनिफॉर्म, मेरा भाई सब पैंट। अरे भाई यार तू कहाँ गिर रहा है भाई, जल्दी चल यार अभी फटाफट से, लेट हो गया आज तो भाई। सब 8:15 तो इधर ही हो चुकी है, मेरे को अभी नाना धोना भी बाकी है। 8:30 का, 8:30 का तो पेपर ही है मेरा। एक काम करता हूँ, रहने नहीं दो नाना धोने का आज। तो भाई सब रेडी हो चुका हूँ, लेकिन अभी जो है सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो अभी पकता हूँ यार आपसे मिलेगा भाई, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मिलता हूँ आपसे। अभी फिलहाल चलता हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए बाय। 4 hours later. So guys, finally reached home, और आज अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, काफी अच्छे से हुआ। लेकिन अब ये पता नहीं कि वो कितने मार्क्स अपन को देता है। हाँ ये तो डिपेंड करता है कि भाई मैंने कैसे पेपर किया, और वो ठीक किया पेपर तो मतलब कुछ होते कि मतलब हाँ चलो भाई ठीक है मार्क्स दे देते हैं भाई, इतनी छोटी सी तो गलती की है भाई, ऐसे करके छोड़ देते और मार्क्स पूरे के पूरे दे देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर छोटी सी भी मिस्टेक दिख जाए ना तो पूरा आंसर को, एंड वी आर डोंट नो कि भाई बोर्ड्स एग्जाम में कॉपियाँ कैसे चोक होती है, वो तो हमको कोई पता नहीं है। लेकिन लेट्स सी नाउ अब कितने मार्क्स आते हैं अकाउंटेंसी का। तो वैसे मैंने तो ठीक ही किया है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे चेक भी करता है और मार्क्स कैसे आए और क्या आते हैं। तो भाई साहब ये लंच रेडी हो चुका है, मस्त गर्मा गर्म रोटी है, चटनी है, चटनी जो है मम्मी ने कल बनाई थी, सब्जी है, और साथ में भाई छाछ है भाई, गर्मी के सीजन में छाछ मतलब। और अभी जो छाछ है तो मैं तो 2 कटोरी छाछ लेके सीधा खैर करके सो जाऊंगा बस। अब फिलहाल अभी जो है 12 बज रहे, देख सकते हो अभी फिलहाल जो है 12 बज रहे है, 12 बज चुके हैं। अभी मैं खाना खा के सीधा 2-3 घंटे की नींद ले लूँगा, 4 बजे वापस आज मेरे कोचिंग है, तो आज फिर उसका कोचिंग आएंगे। और अभी फिलहाल जो है खाना खा के सो जाता, तो मेरे एग्जाम के टाइम में भी मैं जब एग्जाम देने लगा ना, एग्जाम जब स्टार्ट हुआ उसके 1 घंटे के बाद भाई मेरे को पता, मुझे नींद आने लगी एग्जामिनेशन हॉल में भाई, मेरे को नींद आने लगी, मेरे से पेपर लिखा नहीं जा रहा था, लिखते लिखते मैं ऐसे सो रहा हूँ भाई, ये क्या हो गया भाई साहब। फिलहाल अभी जो है मैं राज के घर पे आ चुका हूँ, लेकिन अभी हमारा बाहर जाने का एक प्लान है, तो जहाँ कहाँ पे रहा हुआ भाई मेरे को भी नहीं पता, पता नहीं ये कहाँ लेकर जा रहा है, अभी देखते हैं। भाई साहब इन दोनों की लगभग आधे घंटे से मीटिंग चल रही है कि कौन सी आइसक्रीम खानी है भाई, फटाफट भाई कोई ना ले चूज करो यार। तो भाई राज भैया अपने लिए आइसक्रीम मंगाई, मंगाओ राज भैया जल्दी मंगाओ। तो भाई आधे 1 घंटे से आखिरकार इन्होंने मंगाई तो ये मंगाई भैया को वापस आइसक्रीम धीरे चला के आए भाई साहब। चलो ये मंगा लो, ओरियो शेक मंगा लो मेरे लिए। तो क्या बात है भाई, सर्विस काफ़ी फास्ट है, इन्होंने ओरियो शेक मंगाया, मैं ओरियो शेक आ भी चुका है, फटाफट से पी लेते और चलते हैं। साहब अभी फिलहाल मैं आया हुआ अपने फ्रेंड के घर, मतलब राज के घर आया हुआ हूँ, और फिलहाल अभी कमरे में कोई नहीं है। मैं वैसे भी अभी तैयारी करने वाला था, मैं अभी जस्ट आया था, ये रहा मेरा बैग, और यहाँ पे भी भाई किताबें खुली हुई है, ये भी भाई पढ़ाई कर रहा था, और मैं भी जब पढ़ाई करने आया हूँ। लेकिन भाई अभी जो है इसका वेट करो, क्योंकि ये खाना खा रहा है। तो आज एक एग्ज़ाम तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं कि दूसरी एग्ज़ाम कैसी मतलब जाएगी। नहीं यार मतलब आज का जो पेपर है ना वो काफ़ी डीपली गया था, मतलब इतना डीपली गया था कि मतलब हमने जिसको हल्के में लिया था ना भाई, वो क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर आए, क्वेश्चन को हमने हल्के में लिया वो क्वेश्चन आए ज़्यादातर। और गाइस आगे पेपर में पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, होपफुली कि अच्छे क्वेश्चंस आए और सिंपल क्वेश्चंस आए। हाँ साथ में सॉरी गाइस कि भाई मेरी व्लॉग वीडियो जो वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, और अब सब समझ रहे हो यार सबके भी एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है, मेरे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो व्लॉग वीडियो आने का कभी कभार मतलब इशू रह जाता है कि भाई दिन भी ना दिन का 1 घंटा निकाल देता हूँ, दिन का 1 घंटा निकालता हूँ कि भाई एडिटिंग कैसे करनी है वगैरह, क्योंकि भाई लंबी वीडियो व्लॉग वीडियो को एडिट करना भाई मुश्किल रहता है, शॉर्ट्स वीडियो होती है तो आधे घंटे में हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं जो अपने चैनल पे जो है शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी डाल रहा हूँ, जैसे आपने नोटिस किया होगा मैं शॉर्ट्स वीडियोस काफ़ी डाल रहा हूँ, ताकि लोगों को फिर भी एंटरटेन तो कर सकूँ, व्लॉग वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं तो मैं शॉर्ट्स वीडियो के अकॉर्डिंग मतलब लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, तो मैं फिर भी शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शॉर्ट्स वीडियो को लाइक करो, मेरे शॉर्ट्स फीड में जाके आप अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो काफ़ी। फिलहाल जो है 9 बज रहे देख सकते हो सामने, फिलहाल अभी जो 9 बज चुके हैं,
तो अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ राज का, तब तक मैं अपनी मतलब थोड़ा बहुत तो जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेता हूँ, देन 10:30-11 बजे के आसपास मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो भाई सब अभी जो है समय हो रहा है रात के 10, और फिलहाल प्रिपरेशन अभी देखो अकाउंटेंसी की तो एग्ज़ाम हो चुकी है, अभी कल है भाई इंग्लिश की, लेकिन फिलहाल अभी जो है पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, चैप्टर्स बाकी है और पोएम्स बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब है। खैर एनीवेज इस ब्लॉग को मैं ये भी एंड करता हूँ, होपफुली कि आपको आज के इस ब्लॉग के अंदर मजा आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।